कुछ नहीं पिए पानी है सोला नहीं मारती ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो बस ऐसे 20 पिला सकती हूँ बड़ा करवा टेस्ट था हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस इज मी इमान एंड मौसम एंड यू आर वाचिंग न्यूज़ व्यूज़ एंड अपडेट्स और आज आप बड़ी एक्साइटेड है पानी की वास है ओके एनीवेज आज हम जिस वीडियो पे करने जा रहे हैं उस वीडियो की काफी ज्यादा हमें रिक्वेस्ट आई है और आई एम सो सॉरी कि मैं इसको थोड़ा लेट कर रही हूँ और मैंने इसको लेट कर दिया आई मीन दीपक की बहुत ज्यादा हमें रिक्वेस्ट आई और उन्होंने मुझे डिफरेंट रिएक्शन चैनल्स के स्क्रीन शॉट्स अगर भेजे देखो इसने भी कर दिया लेकिन आपने नहीं किया और लेट हम कुछ इस वजह से हो गए क्योंकि हम दोनों ऑटो सिटी गए हुए थे कुछ yes. जरूरी काम की वजह से और हम आज ही आए हैं और हमने सोचा कि आज इस पे करते हैं यस yes, तो आई होप मैंने बता दी कि हम किस पर कर रहे हैं नहीं हाँ हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट विद द चैंपियन विराट कोहली बिल्कुल विराट कोहली है ना कोहली कोहली तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट इट कि वीडियो कैसी थी और विराट हमें कैसे लगे तो चलिए देखते हैं वीडियो देखिए पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा ठीक है कि आज यहाँ पे कौन आया है कौन आया द पोस्ट मैच जेंटलमैन या दिल्ली का छोकरा तुम तो हमें जानते हो दिल्ली का छोकरा जेंटलमैन तो जब हमने होना होता है मैं हो जाते हैं हाँ, वो स्विच ऑन करना पड़ता है हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग है जैसे ही अपना माहौल मिल जाता है उसके बाद आपको पता है हमारा क्या होता है फिर तो उसके बाद फिर मैं आया इसलिए हूँ मैं आया तुम्हारा पिछला एपिसोड देख के हूँ मुझे इंस्पिरेशन ही पिछले एपिसोड से मिली जब तक मैंने नेहरा जी का एपिसोड नहीं देखा था मेरा मन नहीं था अच्छा लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny but yeah. yes this is that's what we love about दांत देनी पड़ेगी उनकी 12 ऑपरेशन करा के भी मतलब क्या देनी पड़ेगी दांत देनी पड़ेगी दांत नहीं यार अब क्या है मेरे को सबसे पता है इस मजा क्या आता है इस शो में कई लोग आते हैं हिंदी में बात होती है कई ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं उनसे टीच इंग्लिश में बात होती है मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं लाइवली रखना चाहिए जे तू लग दी पंजाबन लग दी पटोला लगे नहीं तू सारे यहां तो वखनी तन सूट सूट कर मेरे को हिंट दो एक्सक्यूज मी व्हाट इज अ पटोला पटोला इज अ पंजाबी गुड लुकिंग वुमन गुड लुकिंग इज अ पटोला यस वेयरिंग अ सूट ओके We would urge young people not to use that word in public. Yes. Unless patola. You're talking to Punjabi people. A patola. Yes. Aur ek aur hint do. Haan ji. Tu tak tutiya. Hai jamalo. Bhai jo chota tha na mujhe lagta tha dahi jamalo. Sabko hi lagta tha. Humko sabko yehi sikhaya hua tha. Acha ek aur bolo. Ho ho ho. Ishq tera tadpaave. Sukhi Sukhbir paaji to apne Ishan ji. ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना वो पीछे बाल बांध गया है उसने बार काला चश्मा पहना उसने बस सुखबीर नाम रख दिया लंबा भी है हुआ दी अदर पंजाबी इन द टीम नाउ बिकॉज काफी जो बाकियों को समझ नहीं आती होगी ना ये बातें पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में क्योंकि आईपॉड ज्यादा लोग लाते नहीं हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता रहता तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं बचा मेरा आईपॉड मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं लेकिन बाकी पंजाबी माहौल थोड़ा लाइवली रखना लाइवली रखना पंजाबी होने चाहिए टीम में ना एक दो शिखर है मैं हूँ तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषि ऋषिकेश उपाध्याय गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर अजीब सा मिक्स है लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी और सो बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था वो अश्विन का कुछ दिन पहले तो जल्दी जल्दी कहता है अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है रवि कश्यप कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है जबान पे
मतलब दिल का बहुत साफ है लेकिन कुछ भी बोल देता है. रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू हैव एवर कम अक्रॉस. यू हैव स्पोकन, उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना वो प्रॉपर अपना टकोरी भाषा में बोलेगा. जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहाँ है ना बहुत ये है. अच्छा, पाँच सेकेंड हो गए, दस सेकेंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार. मतलब तुम समझोगे कहाँ है और क्या है. मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा दिमाग कितना तेज है. मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ. अच्छा, इनिशियली ना जब रोहित ही वॉज बर्स्टिंग ऑन टू द सीन तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी. रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है. तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा. तो वो T20 वर्ल्ड कप था तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे. मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना, बिकॉज व्हेन यू सॉ हिम प्ले यू अंडरस्टूड व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर. सो अमेजिंग, अमेजिंग. आई हैवंट सीन समवन टाइम द बॉल बेटर देन रोहित. के पास एक सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे, एक नेजर डेड. In real life, he just, he looks such a space cadet. जितनी चीज़ें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीज़ें भूलते हुए. iPad, wallet, phone, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीज़ें जो डेली यूज़ की हैं वो सीधा आई डोंट केयर नया ले लेंगे. उसको पता ही नहीं रहता छूट गया है. बस आधे रास्ते हो जाती है होटल में उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था. पासपोर्ट तो नहीं खोया ना कभी उसका बेचारे का. पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है दो तीन बार, बड़ी मुश्किल से उसका रिट्रीव किया है. लॉजिस्टिकल मैनेजर मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले पूछे सामान है, तो जब उसकी यस मिलती है तब बस मिलती है, उसके अलावा नहीं. बैट है, पासपोर्ट है, क्रिकेट का सामान नहीं. चल अब चल, क्रिकेट का सामान बैट और पासपोर्ट है, अब निकल. बस और कुछ नहीं चाहिए. जड जी का तो आपको पता ही है, शिखर धवन. तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट. तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं. तो ओवर हो रहे हैं एक के बाद एक, रोशनर क्लब में मैच था और वी आर स्विचिंग एंड्स. तो एक नया नया टीम में प्लेयर आया तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से लिए. तो मैं ना मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं परेशान हो गया. मैंने कहा यार ये लड़का मतलब जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है, मेरा तो ऐसा हाल हो गया. तो वो पुनीत अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है. तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई, तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है. तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है, कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं, गुड बुक्स को कहते हैं नोटबुक्स. मैंने कहा थोड़े स्कूल में कभी छुई नहीं. स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे हैं और मैं जमीन पे. आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है, और सीरियस में मतलब ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग, बहुत मजा आता है. बट शिखर इज आल्सो सुपर एंटरटेनिंग, उसको भी लगता है कोई फिक्र नहीं दुनिया की, चांस ही नहीं है. एक बार उसको याद है न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में, हमारा एक दोस्त था उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी. तो बड़ा एक्साइटेड, कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी बड़ा मजा आएगा, सब दोस्त आएंगे. मैंने कहा मजा तो आएगा, क्या था हाँ चलो प्लान बनाओ. प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया. तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फ़ोन आ गया किसी का. उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी, कहता हाँ तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है और बहुत ट्रैफिक होगा और निकलने की कोशिश कर रहा है. तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है तो कराने. कह रहा हाँ हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो. इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में. रात को उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे. तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आपकी इतने बजे की फ्लाइट है. कह रहा तू कौन है. कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिया. कह रहा भाई साहब हो कौन आप. कहता आपकी फ्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो, हम लोग फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं. तो उसको पता ही नहीं कौन है, हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे. क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा, उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ. Yeah.
तो यूवी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू गेट विराट टू पे अ बिल इज बाय कॉलिंग हिम अ कंजूस. किसको एक बार ही कंजूस बोलोगे तो वो अब मैं क्या बोलूं यार. रहने दो. उनका सीधा सीधा हिसाब है जो आशु भाई ने बोला ना, सही बात है. चोरी किसने की? मैंने नहीं करी सर. वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा माहौल बनाए उससे पहले माहौल बना दो. तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता. जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया. उनका पता है क्या हिसाब किताब था? शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे, चीकू रोटियां मंगा. अच्छा जी, मैं क्या खाना है? मंगा ले कुछ भी मंगा ले. कभी बताना नहीं कि क्या खाना है. मैंने मंगवा दिया पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो. खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल की खाई, ये दाल है ठीक ही, ये पालक है. मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करो और फिर उसकी बुराई करो, बैठ के क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस. अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले. कभी आज तक नहीं बोला क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के. जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मज़ा नहीं आता उनको. जैक ने कहा कि विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बोलर है. वो दिन गए. नहीं यार, मेरे से बोलिंग मतलब मैं कर देता हूँ बोलिंग. पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ. ऐसा हुआ भी है दो तीन बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं दो तीन बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए. एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी, तो मार्क बाउचर कीपर था, IPL का मैच था, किंग्स 11 पंजाब से, और भोपारा बैटिंग कर रहा था. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है. उस दिन क्या हुआ, मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतनी ऊपर से गई. तो भोपारा यूँ खेल रहा है और बाउचर यूँ पकड़ रहा है, ये कर क्या रहा है आदमी, नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी और स्विंग भी हो गई. रजनीकांत ऐसा तो जैक पाबी ने भी किया. मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया. मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन पता नहीं यार, मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है. मैं और किसी तरीके से बोलिंग ही नहीं कर सकता. मैं स्पिन भी डालता तब भी ऐसे ही हो जाता है. मेरे से नहीं होता. आज पहली बार ब्रेकफास्ट में चैंपियंस में सूप पिया जा रहा है. ब्रेकफास्ट कहाँ हो रहा है, 8:30 बजे रात के सुबह के. चीटिंग कर रहे हैं हम. चीटिंग इंडोर में तो कुछ भी बता दो. इंडोर में कुछ भी हो सकता है. बाहर आपको पता नहीं है, बाहर इतनी धूप चमक रही है. जो लोग शाम को 7:30 उठते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट है. कुछ होंगे जरूर. वो तब से तड़प रहे होंगे, भाई हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ करो. लो जी आपका नाश्ता आ गया. व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे? ब्रेकफास्ट सर हमारा सेट है. हाँ जी, ऑमलेट खाता हूँ मैं. 3 egg whites, 1 whole egg, स्पिनच, ब्लैक पेपर चीज, सम ग्रिल्ड बेकन और स्मोक सालमन अलॉन्ग विद इट. पपाया खाता हूँ. ड्रैगन फ्रूट इफ अवेलेबल, वाटरमेलन. ईट डिसेंट अमाउंट ऑफ चीज फॉर गुड फैट्स. एंड देन आफ्टर दैट आई कैरी माई ओन नट बटर्स. एंड देन आई यूज ग्लूटेन फ्री ब्रेड इन द होटल. उसमें लगा के खाता हूँ. एंड देन अ नाइस बिग पॉट ऑफ ग्रीन टी विद लेमन. उसके 3-4 कप होते हैं. अच्छा, और लंच डिनर इज ऑल ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश. When our trainer Mr. Basu tells me to put on bit of muscle, then I increase red meat. नहीं तो generally दोपहर में grilled chicken, mashed potatoes, spinach, veggies and रात में seafood. You told me 4 years ago on your birthday that you lifted your shirt. मैं देखा नीचे glucose के biscuit लगे हुए थे और you said, sister आपको बता मैंने 1 साल से butter chicken और naan नहीं खाया. उसको 4 कर दो. अब 4 हो गए ना. दर्द था दिल्ली वाले लड़के का. अब गर्व है. बट इफ यू हैड वन चीट डे कि आज बॉस जो भी खाऊंगा वो ब्रोकली जैसा बन के अंदर उतरेगा, तो क्या होगा? रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110%. वो भी उसकी दुकान के पास जाके. घर आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो फटूरे हो जाते हैं. वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है उसमें. ताज़े जो फूले हुए आते हैं जिसमें उंगली मार के भटूरा नीचे हो. वैसे थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार. चलो वापस स्पिनच सूप. बिल्कुल रियलिटी की तरफ दिमाग खनकाओ. सो इट मींस जस्ट द वन थिंग, योर चीट वुड जस्ट बी दैट वन. यू डोंट हैव अ ड्रीम विश लिस्ट ऑफ इतना बड़ा मेन्यू होगा. नहीं, समोसे भी होंगे. मेरा चीट जब एक मील हो गई तो फिर मेरे डिजायर खत्म हो जाते हैं. उसके बाद वापस डिफॉल्ट आ जाता है. ये कैसे हो जाता है यार? पता नहीं यार, अब तो सेकंड नेचर हो गई है. आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट व्हाट आई ईट एंड हाउ आई ट्रेन. यू ट्रेनिंग लाइक व्हाट? यू आर इन द जिम फॉर लाइक, मैं
जब फोन किया था एक बार बैंगलोर में, कहा अच्छा मैं जिम में हूँ, मैंने कहा अच्छा बाद में मिलता हूँ, मैं चार घंटे में खत्म करूंगा। मैंने कहा क्या बंदा सो रहा है वहां पे, क्या कमरा नहीं दिया इसको क्या? चार घंटे यूजुअली जब दो सेशन करते हो जिम में तो कंबाइंड चार घंटे हो जाते हैं ट्रेनिंग के, विच इज ऑफ सीजन। सीजन में आर एंड हाफ। अच्छा मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है, अगर मेरा मेटाबॉलिज्म हार्दिक पांड्या या शिखर धवन का भी बहुत अच्छा है, केएल राहुल जैसा होता है, जैसे लीन फिजिक है इनकी, हम तो सर खाते पीते घर के हैं, छूटते अभी एक बार खुली छूट दो, कितनी ट्रेनिंग कर लो, चार साल ट्रेनिंग करी हो, चार दिन में मोटा हो सकता हूँ, ऐसे यहाँ तक आएगा सीधा, चार दिन में दिख जाता है मेरे पे। लाइक योर अर्लियर यंगर पिक्चर्स, योर फेस वाज कंसिडरेबली मोर लाइक दिस। मेरी जॉ लाइन थी नहीं। ढूंढते रह जाओ कहाँ है? मैं हाथ मार के ढूंढता था फिर भी नहीं आती थी आप। पहले तो मैंने मीठा तो ऐसा इतना खाया कि मीठा ही नहीं रहा, खत्म हो गया। तो मैं सूंघ के ना, मेरे को बड़ा डिजर्ट सूंघ के मुझे लगता है यार क्या बना होगा, मतलब मैं लुफ्त उठाता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मैं दूसरों को फिर सेल्समैन बन जाता हूँ। ओए क्या केक है, ओए क्या मिठाई है, खाओ 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 खाओ, बेचने की आदत था। मैं सेल्समैन बहुत तगड़ा बनता और कुछ नहीं, एक्वागार्ड बेचता मैं बहुत तगड़े। ये देखना पूरा बढ़िया, कितना बढ़िया हलवा मेरा। और फिर खा के सब गाली देते बाद में अगले सुबह जब 10-15-20 मिनट ज्यादा ट्रेडमिल पे लगाने होते हैं। नहीं नहीं, जो कर सकते हैं वही खाते हैं, वही करते हैं। हाँ वही खाते हैं, और जिनकी बॉडी अलाउ करती है वही खाते हैं, बाकी तो अभी बहुत बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो गया ना। ब्रिलियंट डिसिप्लिन, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। 30 साल पहले तो लोग पेट लेके, उस टाइम इधर डिमांड्स नहीं थी ना गेम की, वैसे अलग थी उस वक्त। अगर आपको तीन फॉर्मेट खेलने, आज की डेट में अगर आप फिट नहीं हो आप खेल ही नहीं सकते, ट्रेनिंग नहीं है तो चांस ही नहीं है, आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती, एंड मेजर इंजरी विल बी वेरी क्लोज। अभी गेम इतनी प्रोफेशनल हो गई है, इतनी जोर से आगे बढ़ रही है, अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप इतनी पीछे रह जाओगे। सच द मार्जिंस हैव बिकम सो लिटिल, इट्स अबाउट कि आप एक कैच के लिए गए, कैच छूट गई, लोगों ने बोला ओ ग्रेट एफर्ट, बट आपका कैच तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन कितने सेकेंड में हुआ है, उसके लिए आपने कितनी ट्रेनिंग करी है, कैसे न्यूट्रिशन है, आप अच्छे से सोए हो कि नहीं, वो चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि आपका वो डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर हो रहा है या 2 सेकंड में कवर हो रहा है। अगर आप 2 सेकंड में कवर करोगे तो इजी कैच है, आप 3 सेकंड में कर रहे हो तो कह रहे हो ग्रेट एफर्ट। तो इट्स अबाउट मार्जिन, इट्स अबाउट अ सेकंड हियर एंड देयर, आर यू ट्रेनिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा सेकंड और नॉट, दैट्स व्हाट मैटर्स नाउ। एम एस धोनी ने बोला था 4-5 साल पहले कि मैं बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा इंडिया को, रिमेंबर दिस, ही सेड इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स एज वेल इन पब्लिक, एंड यू गाइस चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी 2013, सो 4 इयर्स वेयर वी एक्चुअली फील्डेड बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, सो दैट वाज अ रेवलेशन फॉर अस उस टाइम पे। खुद ही सबने सोचा कि ये क्या कर गए? नहीं मतलब एक तो यंग टीम थी, ओहो, उसके बाद कोई मतलब वो नहीं था ना, हम तो यार ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी गए थे कि बहुत यंग साइड है, विल जस्ट गो टू एंजॉय आवरसेल्फ, और व्हेन अ टीम इज लुकिंग टू एंजॉय देमसेल्फ द मोस्ट, द ओनली थिंग दैट हेल्प्स और दैट अलाउज द टीम टू डू समथिंग टुगेदर इज ऑन द फील्ड, सो वी आर एंजॉयिंग ईच अदर्स कंपनी, और द फील्ड्स द ग्राउंड्स आर ब्रिलियंट इन इंग्लैंड, सो द क्राउड सपोर्ट वॉज अमेजिंग, सो दैट होल एटमोसफियर काउंट्स, सो वी आर थ्रोइंग आवरसेल्फ्स अराउंड एंड यू नो we actually fielded our way to the finals in the championship trophy, and we ended up winning it. Very special, very very special. Who have you enjoyed batting with the most? I know there'll be a few, no? For reasons. Yeah, in test cricket I think I have enjoyed batting the most with Jinx. Yeah. Ajinkya. We've had quite a few good partnerships. I think I've had few of my best partnerships with Chris Gayle and AB. Yeah. In the IPL. बहुत मजा आता है दोनों के साथ खेलने में। क्या सुपरस्टार दोनों यार, मतलब कमाल के बंदे हैं, मतलब हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, मजा आता है उन लोगों के साथ ना फील्ड पे, ऑफ द फील्ड एज वेल दे आर ब्रिलियंट ह्यूमन। क्रिस गेल के साथ क्या है एक्शन? क्रिस गेल के साथ वो ऐसे करके क्या है समझाने से पता नहीं, मैंने तो भज्जूपा को देखा था एक बार करते हुए, तो मैंने कहा भज्जूपा क्या कह रहे, मुझे भी नहीं पता, अगर ठीक है दिखने में तो अच्छा है। तो इन वनडे क्रिकेट रोहित, मी एंड शिखर हैव हैड क्वाइट अ फ्यू पार्टनरशिप्स, मी एंड एम एस, एम एस एंड मी एक्चुअली हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, वी डोंट इवन लाइक इफ ही वी रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड इफ ही सेज टू आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड रन, बिकॉज आई नो दैट हिज जजमेंट इज सो करेक्ट कि आई विल मेक इट। यू टू बिकम कैप्टन एंड टू हैव समबडी लाइक एम एस धोनी स्टिल देयर एट लीस्ट इन वनडे क्रिकेट, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज आई हैव नोटिस दिस अबाउट हिम, इन द लास्ट few years
He enjoys being in the game more than even playing the game. Yeah, amazing. I don't think I've come across a better cricketing brain. Yeah. Just in terms of planning and, you know, knowing what's happening in the game and what can be done. Sometimes I like to follow my own instinct as well. But whenever I ask him anything, 8 out of 10 times or 9 out of 10 times, he always tells you things that work. So it's a blessing to have him. You know, our friendship has grown over the years immensely. लोग बहुत बीच में कोशिश करते हैं कि कोई बीच में स्टोरी चलाओ, कोई फूड डालने की कोशिश करो. हमें फर्क ही नहीं पड़ता. हम ना वो पढ़ते कुछ, ना मैं पढ़ता कुछ. हम लोग जब निकलते हैं साथ में, कहते अरे कुछ नहीं था, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है. अच्छा ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया. मी एंड हिम आर वेरी क्लोज. ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया, फील्ड पे भी किसी को फील ही नहीं हुआ कि ट्रांजिशन हुआ है. सब कुछ मस्त चल रहा है. हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं अभी भी, जैसे पहले रिलेशन था वैसे ही. सो इट्स आई फील रियली रियली लकी दैट ही स्टिल around in my initial years of captaincy, and I'm still learning a lot from it. Matthew Aiden said to me that MS goes around finding things funny in everyday life that a 7-year-old would find funny. Yeah. He says he's like a child. Yeah. His enthusiasm is like a child. Yeah. He's very, very intrigued by things very quickly. Yeah. And he's always looking for something that interests him. Yeah. So. Yeah, Matthew Aiden is not far away from his judgment. मैं अभी recently उनसे मजाक कर रहा था. कोलकाता में वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया से. तो मुझे ना एक चीज़ याद आई. मैं जब अंडर 17 में कैप्टन बना, कोई क्लब का मैच था शायद अपने, तो इफ बूवी हैज़ टू बोल, सो इन जनरल क्रिकेटिंग टर्म्स यू आई आस्क हिम कहाँ से, मतलब विच एंड. तो यू डोंट इवन से कहाँ से डालेगा, क्या करेगा. सो दिस न्यू गाय केम इनटू आवर एकेडमी एंड ही वॉज फ्रॉम नजफगढ़. आई हैड नो आइडिया. अच्छा खेलता था, उसको खिला लिया तो बॉलिंग आ गई. तो मैंने उसको बॉल पकड़ा ही, मैं कैप्टन था. मैंने कहाँ से, कह रहा भैया नजफगढ़. मैंने बोला, मैंने बोला इधर आ, मेरा बॉलिंग कहाँ से डालेगा. कह रहा भैया नजफगढ़. वो इतना बोला था उसको समझ ही नहीं आई कि मैं एंड बोल रहा हूँ. सो आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी मैच के बीच में. Couldn't stop laughing. You feel like he's very serious and all, but in his moments, he laughs a lot. वीडियो जो है अच्छी थी, यानी कि फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल हमने इतनी लंबी वीडियो देखी है. और अभी भी वो पार्ट वन उसका हमने कवर किया है. पार्ट 40 मिनट्स की बहुत लंबी थी, तो हमने कहा कि हम पार्ट वन देख लेते हैं. हाँ. फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि पार्ट टू देखना या नहीं देखना. फिलहाल अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन देखेंगे. खैर उस बारे में देखें, लेकिन अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में जो कन्वर्सेशन हुई है बहुत मज़े की है. खास तौर पर मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी. एक उनकी जो फूड है, डाइट फूड जो है जो विराट देते हैं, और एंड पे जो बॉलिंग पूछा था बॉलिंग कहाँ से डालोगे. हाँ वो फनी था. अच्छा वैसे मुझे ओवरऑल, क्योंकि अगर मैं इससे पहले, आई एम सो सॉरी अगर किसी को मतलब बुरा लगे, लेकिन मेरी वो इंटेंशन नहीं है कि किसी को बुरा लगे. लेकिन हाँ, मैंने बहुत दफ़ा अपने पहली वीडियोस में भी बात की है कि मुझे एमएस धोनी ज़्यादा पसंद है. विराट कोहली मुझे इतने पसंद नहीं रहे कभी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मुझे वो अच्छे लगना शुरू हो गए हैं. मतलब जिस तरीके से वो बात करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने बात की है, बहुत लाइवली और बहुत फ्रेंडली थे. और मतलब मज़ा आता है ऐसे बात सुनने का. मतलब ये बहुत एक डिफरेंट साइड थी जो मुझे विराट कोहली की नज़र आई. अदरवाइज मुझे हमेशा वो बहुत अग्रेसिव लगते थे और मुझे लगता था बस वो हर टाइम लड़ने के लिए तैयार होते हैं. वैसे मुझे तो क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं. ये और छोड़ दें. हाँ, मुझे तो क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं. आज मैंने वैसे फर्स्ट टाइम विराट को इतने गौर से देखा. प्लीज ज्यादा गौर से. मैंने से पहले कभी इतने गौर से नहीं देखा. खुद मेरे लिए ठीक नहीं है ज्यादा गौर से. देखें नहीं, मतलब मैं मजाक कर रही हूँ. हाँ. लेकिन ऑनेस्टली मुझे उनकी बातें सुनने का बहुत मजा आया. जिस तरीके से उनका एक तरीका है बात करने का, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि बहुत डिफरेंट साइड मुझे नजर आई है. और मतलब मुझे लगता था कि वो पंजाबी हैं, क्योंकि मैंने पहले भी उनकी जो वीडियोस देखी हैं कभी, उसमें भी वो काफ़ी यू नो वो भांगड़ा शंगड़ा डालते हैं हर टाइम, यू नो ऑल द टाइम रेडी टू डांस. तो मज़ा आता है उस तरह की चीज़ें भी देखने का. लेकिन आज कन्फर्म हो चुका है होंगे, ये मुझे नहीं पता था. आज इन्हें कन्फर्म हो चुका है वो पंजाबी हैं. और क्या आप बोलने लगे थे, बोलो. मैं बोलने लगा था, मैं भूल गया. अच्छा, मुझे वैसे काफ़ी मज़ा इस चीज़ का भी आ रहा था कि जब आप जैसे क्रिकेट में या कोई भी जैसे प्रोफेशन में होते हो, आप अपने क्लीग्स की बातें बताते हो, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें मुझे वो लगती हैं जो हम एक दूसरे के बारे में बता रहे थे. और स्पेशली मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी. आई मीन अच्छी नहीं लगी थी एक्चुअली, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है. इस वजह से मतलब मुझे समझ आ सकती है कि
कुछ लोग जो खुद आगे स्टेप नहीं लेते और खाने वाली बात मतलब कि वो कंधे पर बंदूक चलाते हैं और वो चाहते हैं कि पहले खाना मंगवा लिया जाए या फिर इस तरह की मतलब कोई भी काम हो और फिर उसके बाद बदतरीफी की जाए. तो वैसे मोस्टली इनके साथ इस तरह होता है क्योंकि मैं जब भी इनको बाहर लेकर जाती हूँ खाना खाने के बाद कहती खाना अच्छा नहीं था. मैं ये नहीं कहता खाना अच्छा नहीं, बस ठीक ही था, इतना मजे का नहीं था, इतना बुरा था. फिर मैं कहती हूँ मैं हमेशा ही बोलती हूँ अभी मैंने कभी इनको बाहर और फिर ये ले जाती हम कहाँ जाने, लेकिन फिर भी मैं इनको ले जाती हूँ कि चलो चले आज कहीं चलते हैं. नहीं वैसे मैं हर बार नहीं करता. लास्ट टाइम जब हम मीकोंग गए थे मैंने कहा था खाना अच्छा है. इकबाल टाउन मैंने कहा था अच्छा है क्योंकि वो मैंने खिलाया था. इसलिए अभी जो हम लोगों ने खाया ना इसमें मौजूद ने कंट्रीब्यूट किया था इसलिए इसका टेस्ट नहीं. वैसे मुझे अच्छा लगे सिर्फ एक दो चीजें नहीं मुझे अच्छी लगी, वैसे तीन चार ही थी. मुझे सारा फूड बहुत मजे का लगा था. हाँ लेकिन मैंने कंट्रीब्यूट किया था और ये नहीं कि मैंने कंट्रीब्यूट करने की वजह से आपको कहा था. पहले भी तो मैं करता हूँ. पहले मैंने कब कहा? अच्छा चलो मुझे पता है. बनो ज़्यादा और एक वो डिज़र्ट वाली मुझे उनकी बात बहुत मज़े की लगी क्योंकि डिज़र्ट जैसे उनको पसंद है. बहुत सारे ऐसे लोग मैंने लाइफ में देखे जो मीठे के लिए ज़िंदा रहते हैं और बहुत खाते हैं मीठा. और जैसे उन्होंने बोला कि मैं सेल्स मैन होता हूँ, ये भी ले लो ये भी ले लो. आई मीन जितना वो बोल रहे हैं वाकई में सेल्स मैन बन सकते हैं, सेल्स मैन के लिए बहुत बोलना पड़ता है. और मुझे मीठा वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है फिर भी खाती हैं. हाँ पर बहुत कम. और आपको मजे की बात ये बताती हूँ मैं कि मौसम को खीर खाकर सर में दर्द शुरू हो जाती है. बिल्कुल ये सच बात है. मैं खीर खा के नहीं मीठी कोई भी चीज हो खा के सर में दर्द शुरू हो जाती है स्वाय कोक के. चॉकलेट तो तुम खा लेते. चॉकलेट भी कुछ ज्यादा नहीं खाता, थोड़ी सी खाता हूँ. खा तो लेते हो ना, लेकिन ये मुझे बहुत इसमें अजीब बात लगती है मीठा खा के सर में दर्द शुरू हो गई. ये क्या बात हुई भाई? मतलब मैं एक छोड़े 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 हम वीडियो की तरफ आते हैं. वीडियो की तरफ आते हैं. वैसे भी आप हर वीडियो में मुझे ही रगड़ा लगा देती हैं. नहीं मैं बताती हूँ मतलब कि ऐसा लाइफ में भी होता है. एनीवेज ओवरऑल वीडियो वाज वेरी गुड, बहुत मजा आया देखने का. थैंक यू सो मच दीपक कि आपने हमें ये सजेस्ट की. एंड आई एम सो सॉरी अगेन कि अच्छा सॉरी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ. मुझे बीच में एक और चीज बहुत अच्छी लगी, नोटबुक वाली. कहना था नोटबुक वाली ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी. बता रही हूँ कि कलीग्स की बात होती है ना वो बहुत मजे की होती है. और स्पेशली जो फैन फॉलोइंग होती है या जो आई मीन आम लोग होते हैं उनको अच्छा लगता है किसी भी स्टार की बातें सुनने के बारे में कि उनकी पर्सनल लाइफ और वो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे. तो इसी तरीके से मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुनने का. एंड आई होप कि अब मुझे विराट अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे एज ऊपर जाती है तो आपके मिजाज में भी काफी फर्क आ जाता है. शुक्रिया मैम, मान गई एज ऊपर जाती है वरना ये तो मुझे कहती मैं तो भी छोटी हूँ. मैंने कभी आज तक नहीं कहा. बड़ी बारी का है वैसे. नहीं हाँ मैं इससे छोटी हूँ. मुझसे बड़ी है. कोसो बड़ी है. मेरी फ्रेंड तो नहीं वो. मेरे से बड़ा एक भाई है उससे बड़ी है. अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है ओके. तो ये तो थी हमारी अच्छी होपली आपको अच्छी लगेगी और हमारी तो नोकझोंक ऐसे चलती रहेगी. लेकिन आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को करें लाइक और हमारे चैनल को करें शेयर, हमारी वीडियोस को करें शेयर विद योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स. टिल देन गुड बाय. इट्स अ राइमिंग वर्ड नहीं राइमिंग लाइंस लाइक कीप अस इन प्रेयर्स एंड नहीं बाय 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 ब्लैक शिप. बाय बाय बाय.